नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वायुसेना दिवस है और साथ में विजयदशमी भी है, पर आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा दिन है। दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजा करेंगे। विधिवत पूजा के बाद रक्षा मंत्री फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट से खरीदे गए लड़ाकू विमान राफेल का अधिग्रहण करेंगे और विमान में उड़ान भी भरेंगे। डेसॉल्ट के साथ हुए सौदे की पहली खेप में भारत विजयदशमी के मौके पर 36 राफेल हासिल करेगा। आपको बता दें कि भारत में शस्त्र पूजा की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, पर एक बात सोचने की है कि राफेल विमान को लेने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया। शायद इसके पीछे यही वजह है कि जिस तरह आज के दिन भगवान राम ने लंका के रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह राफेल लड़ाकू विमान भी भारत की ओर आंख उठाने वाली हर ताकत को नस्ते नाबूद करके देश के सैन्य बल को और मजबूत करेगा। शायद इसीलिए राफेल विमान का अधिग्रहण आज हो रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस लड़ाकू विमान के शामिल होने से देश की सामरिक ताकत बढ़ेगी और दक्षिण एशिया में जहां पाकिस्तान का हमेशा शत्रुता का बर्ताव रहा है, वह आंख उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल की क्षमता के सामने पाकिस्तान के पास अब कोई विमान नहीं है। आपको बता दें कि फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद भारत चौथा देश होगा जिसके आकाश में राफेल विमान उड़ान भरेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही ढेर सारी खबरें देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।